इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आप फिर सर को भी अरेस्ट कर लिया, बस भी आप प्लीज जल्दी से ग्रीन पार्क पुलिस स्टेशन आ जाइए, अब आप भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। शाना शाना एक मिनट, तो रो मत, मैं पहुंच गई हूँ पुलिस स्टेशन, मैं करती हूँ कि कुछ। रोना मत, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आऊंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए, ओके? प्राची तुम छूट गई? हाँ, क्योंकि असली बंदे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुड गुड। सर पर वो है कौन? रणबीर कोहली। पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। जिसकी बर्थडे पार्टी? वो कौन? वो तो मैकमिन सर। तू जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तू घर पे काम करता है ना मेरे, इसलिए अब जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब दे। वो लड़का कौन था जो मेरे घर की पार्टी में आया था? वो लड़का वही था ना जिसने उस लड़की के बैग में ड्रग्स डाला? बता दो, पता कौन है वो? बता दो, सब बता दो। निश, किसी ने तुझे आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया और तूने अपने पास ही रख लिया। शायद वो चाहता हो ये रुमाल मेरे पास रहे। शायद ये बताने के लिए कि तुम जब भी आंसू बहाओगी ना तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कौन करता है ऐसा? मिस्टर मेरा हो सकते, ऐसा काम वही कर सकते। वैसे ऐसे ज्यादा होता नहीं है कि मेरा बोलने का मन हो, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। Today is different. मतलब ये कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आलिया मेहरा का हाथ पकड़ के उसको उसके घर से या फिर ऑफिस से बाहर निकाले। But पूरब खन्ना, you have done it and I kind of like it. और तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर? मेरी किरण से बात हुई थी, उसने मुझसे कहा था कि मैं एक बार तुम्हें उससे मिलवा दूँ। She was concerned for you. बूजी वो क्या हुआ? डॉक्टर के पास क्यों जा रही है? No, बूजी, don't go, please. मुझे आपको कुछ बताना है. I really need your help. डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मुझे तो लगा कहीं और लेकर जाओगे। तुम्हें क्या लगा? Long drive? अगर हॉस्पिटल दूर होता तो लॉन्ग ड्राइव अपने आप हो जाते। हॉस्पिटल के बाद चलते हैं। I don't mind. Let's not waste time. डॉक्टर वेट कर रहे होंगे। Let's go. बुजी डॉक्टर के पास जा रही है तो मुझे अब उसके आने तक का वेट करना होगा। उतना टाइम तो मेरे पास है भी नहीं। जिसने वो 30 तक का टाइम दिया था। ओके फाइन, आई स्टिल हैव टाइम। रिया, तुमने मुझे निश के बारे में पहले बता देना चाहिए था। और तुम्हें बता के क्या होता? तुमने क्या कर लिया? कुछ तो करती, कम से कम कुछ आइडियाज ही दे देती तुम। नो, यू डोंट टॉक अबाउट आइडियाज। एक तो तुम्हारा ये ड्रग्स वाला आइडिया सुन के मैं वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो चुकी हूँ। क्या बोल रही थी तुम दोनों? कि तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्राइक पे आ जाएगी। मैंने साफ मना किया था कि हम ड्रग्स नहीं डालेंगे, बट ओ हेलो, अब डोंट पुट इट ऑन अस, ओके? मतलब ऐसे सारी चीजों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, सिचुएशन थोड़ी हाथ से निकल जाती है। सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। निश इज ब्लैकमेलिंग मी, गॉड डैम। तो कोई सुन लेगा? निश इज ब्लैकमेलिंग मी, उसे ऑलरेडी 5 लाख रुपए दे चुकी हूं एंड ही इज डिमांडिंग मोर। कहां से लाके दूं पैसे? तुम्हारे पास है पैसे, तुम दे दो। और वो कह रहा है कि मुझे उसे जेल से भी छुड़ाना है। अब तो छुड़ा दो ना उसे जेल से। Are you out of your head? तुम्हें पता है उस प्राची को छुड़ाने के लिए उसकी मॉम और मेरे डैड की कितनी मेहनत लगी है? And that idiot, उसने अपना क्राइम कन्फेस भी कर लिया।
दीदी सुनने में तो यही आया है। तो अब क्या सोचा है? जब बूटी चाहिए, I'm waiting for। जितना लेट करोगी उतना ही फंसोगी। तो बहुत तुम किसी से पैसे मांग नहीं सकती, सब पूछेंगी कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो कैसे अरेंज करो, कहाँ से अरेंज करो, बताओ। तुमने कहा था ना कि स्वर्णी दादी बहुत ही गहरी नींद में सोती है। आई थिंक इट्स अ टाइम, जस्ट गो एंड डू इट। और मारो उस निश के मुंह पे पैसे और बोलो कि मैं पैसे दे सकती हूँ लेकिन तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। डू यू थिंक आई एम एन इडियट? मुझे ये आइडिया आया नहीं होगा। आई डिड एग्जैक्टली द सेम वे, यही किया था मैं। स्वर्णी दादी के रूम में गई थी, ज्वेलरी लेके आ रही थी, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, बूजी कॉट। या She caught me red-handed. और अगर ये काम मैंने दोबारा किया और उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया, then I'll be dead. तो और कोई ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास। मुझे उसे बाहर निकालना भी नहीं है। He said कि मुझे वो पैसे किसी और को देने हैं, वो उसे बाहर निकालेगा। Even better. तो सोच क्या रही हो? मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि भूजी आ जाए, फिर मैं उन्हें बता के कुछ करूँ। उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा और तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। भूजी आएंगे तो भूजी भी क्या कहेंगी कि पैसे मत दो और लेने दो उसे तुम्हारा नाम। आई थिंक यू आर राइट। एनी विच वेज पैसे तो देने हैं, सो लेट्स डू दिस। मुझसे बात करनी थी, मैं आ गया। पता किसके कहने पे तूने ये सब कुछ किया? किसके कहने पे तूने प्राची के बैग में ड्रग्स रखे? आपकी बेटी रिया, कभी कबीर उस लड़की के साथ आया और मकसद वो भी समझ आ ही रहा है। उसे जो समझना उसे समझने दो, कम से कम दारा तो कल की यादों से आगे बढ़े। हमें कल कुछ ऐसा करना है जिससे सुबह की एक नई किरण का आगाज होगा। जानता था कि आपकी ही वजह से वो घर छोड़ के गए होंगे बाप, क्योंकि आपने उनके सपनों का गला घोटने की कोशिश की होगी जैसे आप मेरे सपनों का गला घोट रही हैं बाप। मैं भी उन्हीं का बेटा, अब मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अपने पापा की तरफ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। गुड्डन ने सुनाया एक चौंका देने वाला फैसला। आप सभी को हमारी शादी का न्योता देने आए। आज शाम को हमारी हरीश जी से शादी है, आप सभी प्लीज शादी में आइए। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए, ठीक वैसे ही हम भी ये शादी करने जा रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या ये है गुड्डन का कोई प्लान या है अंतरा की कोई नई चाल? बस एक बार तू अपने मुँह से मुझे ये बोल दे कि तू उस पृथ्वी से शादी करना नहीं चाहती, मैं तुझे यहाँ से भगा के ले जाऊंगी। सुन बे करण लूथरा, बहुत जल्द मिलेंगे हम, पर अगली बार तेरी भाभी के साथ, मतलब कि मेरी पत्नी प्रीता जी के साथ। माँ के त्रिशूल से तो काल भी नहीं बच पाया था, फिर तुझ जैसी चुड़ैल क्या चीज है। बहुत अत्याचार कर लिया तूने सब पर, अब तेरा राज खत्म। हाँ पंखुड़ी, कल शायद गलती से मेरा वॉलेट तुम्हारे घर पर गिर गया, वही लेने आया था। राइट हैंड साइड वाला जो गमला है वहां पे नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी रखी हुई है। वाह, पंखू ने तो घर काफी अच्छा सजा रखा है, पता नहीं इतने काम के साथ ये सब भी कैसे कर लेती है। जल्दी से निकलो यहाँ से। हाँ बाबू चलते। आई सर, क्या कर रहे हो तुम? यही है वो गंदे लोग जिन्होंने मुझे मारा, अब आप इनको मारो। आई अब सर, काम हो गया। ये तेरी गलियां के इस रोमांचक सप्ताह में कल देखिए, नंदिनी फिर चलेगी एक नई चाल। बुधवार को होगा शान अस्मिता का प्रेम मिलन, गुरुवार को शान अस्मिता मिलकर करेंगे
नंदिनी के बुने जानलेवा जाल का सामना। शुक्रवार को होगी एक ऐसी अनहोनी जो बदल कर रख देगी हर किसी की जिंदगी। देखते रहिए ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।